बहुत अच्छे इंसान हो। गुड जॉब। बहुत अच्छे इंसान हो। दिल चाह रही है गरम गरम कॉफी मैं जल्दी जल्दी पी जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा वैसे भी रिश्ता हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक। पूछे सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक सो प्रीटी सो गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ही मेरा आपसे ये सवाल है कि आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं, तो कभी किसी ने आपसे ये कहा है कि गोरे रंग पे इतना गुमान ना करिए, दो दिन में ढल जाएगा? लाइक खलीलुर रहमान कमल हमारे साथ मौजूद है। अरे क्या असली आईडी से आया आप? प्लीज वेरी गुड। बताएं जी। थैंक यू, आपने तारीफ की और आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा, बट आज आपने कह दिया, सो आई विल रिमेम्बर दैट। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन नहीं है आपसे, रिक्वेस्ट है। मेरी मदर को आप बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर भी आपकी फ़ैन है, और मेरी खाला को भी आप बहुत पसंद है, मेरी पुप्पो की भी आप जान है। हमसायों को भी पसंद होगी। जी जी, उनको भी पसंद है। तो आप मुस्करा के एक दफ़ा हाय कह दें उनके लिए। आपका नाम क्या है? अनीला। अनीला की खाला, अम्मी, पुप्पो, बहन को मेरी तरफ से हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। माशाल्लाह। थैंक यू। अनीला के दोस्त, अनीला के वो लोग जो दोस्त नहीं रहे उसके होने वाले दोस्त, अनीला के हमसाए, आगे उनके चाचे मामे पुप्पे ताए, और उनके आगे जो माशाल्लाह उनके ऑफिस में काम करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से। मैं हाय नहीं कह रहा क्योंकि वो तो इनके फैन है, तो अनीला जी के लिए तालियां। क्या बात है। माशाल्लाह जब इंसान फेमस होता है और पब्लिक फिगर होता है, 100 किस्म के मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं। अपने किसी को-स्टार का कभी डीएम आया जो पढ़ के आपने कहा ओह माय गॉड व्हेयर इज दिस? अच्छे ही आते हैं, क्रिकेटर्स करते हैं मैसेजेस। क्रिकेटर्स करते हैं जिनको पढ़ के बंदा कहता है ओह माय गॉड व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली। ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट लिया आपने? नहीं, स्क्रीनशॉट तो अरे लिया और जस्ट नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन अभी भी होंगे, आई डोंट थिंक दे हैव डिलीटेड इट। मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे, आपका वेरीफाइड ब्लू टिक का अकाउंट है, आप कैसे रैंडमली किसी लड़की को मैसेजेस करके उसकी तारीफें कर सकते हैं? माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। या या चले वो तो तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। आप क्रिकेटर्स को क्या फिर पैगाम दे दें? आप दे दें, देखिए आप पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी है, हम सब इकट्ठे हैं ना, इकट्ठे हैं पाकिस्तान में, हमने एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, तो आप दे दें कोई मैसेज अगर है। मैं भी बस इन सब की तरह आप लोगों के लिए दुआ करूं। नहीं नहीं, वो वाला मैसेज भी देना है, मैसेज रिलेटेड। मुझे बस लगता है कि हम तो चले एक्टर्स हैं, हम एंटरटेनर्स हैं, आप लोग तो पाकिस्तान को ग्रीन शर्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो ये ना करें, बहुत ही वियर्ड। मतलब एक्टर्स को जायज है वो करें? एक्टर्स फिर समझ आ जाता है। नहीं, एक्टर्स फिर इतना शॉकिंग नहीं लगता। क्रिकेटर्स विद वेरीफाइड अकाउंट्स, मतलब कोई एक्टर करे तो आप रिप्लाई करती हैं आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, क्रिकेटर करे तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। नो, इट्स जस्ट शॉकिंग फॉर मी कि यार ये क्या है। मतलब कुछ क्रिकेटर का हादसा हुआ है। क्रिकेटर्स के मैसेजेस बहुत आते हैं। आपने कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना लोगों के मैसेजेस के पीछे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करना। क्रिकेटर्स के मैसेज तो बिल्कुल, अगर कोई क्रिकेटर मैसेज करता है वापस कर दे कि आई डोंट वांट टू टॉक, ठीक है ना? अगर आप बात नहीं करना चाहते, हाँ आप उनको आगे से ना प्रैक्टिस सेशंस की वीडियोस भेजें। या आप उनको ना हमारे पाकिस्तान की वो मोमेंट्स भेजें, मेरी वीडियो वायरल वाली भेज दिया करें, कितना दुखी था। दुखी ना करो। I will do that. ये शो खत्म होने के बाद ये करती हूँ। I'll forward your video. आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर देना। यकीन का सफर, उससे आपका सफर शुरू हुआ। सज्जल और आहत भी थे उस ड्रामे में, कैसी वही थे, मैं तो आई वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। कैसी केमिस्ट्री थी दोनों की? कैसी केमिस्ट्री थी दोनों की? आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर, आपकी और सज्जल की। अच्छा, मेरे साथ तो सज्जल बहुत अच्छी थी, शी वाज वेरी नाइस टू मी, और मुझे लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा आई थिंक शी विल बी अ लिटिल टफ विद मी, और मैं तो मेरा पहला ही ड्रामा है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत स्वीट थी। शी केम टू मी, शी इज लाइक यू लुक लाइक आवर एक्ट्रेस आयशा खान, सो इट शी मोटिवेटेड मी अ लॉट। पर मेरे साथ बहुत अच्छी रही सज्जल। किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा हो ना,
तो इस तरह इंसान याद करता है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट। जब कोई नाम या कुछ या फर्स्ट आपका स्टेप था और आपको किसी ने अच्छा ट्रीट किया, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर हर। ये आप कभी नहीं भूल सकते, नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए ये बात आप नहीं भूलेंगे। मतलब दोस्ती के अंदर फिर आप एंड तक जाती हैं। मैं हाँ, आई एम अ गुड फ्रेंड लाइक दैट। यू आर अ गुड फ्रेंड। आप अपनी दोस्ती को किस तरह डिस्क्राइब करेंगी, कैसी दोस्त हैं आप? मैं, मुझे लगता है एक अच्छी दोस्त हूँ। मैं बुरे वक्त में काम आने वाली दोस्त। मेरी दोस्त हैं आप? यस। कुछ उधार मिलेगा? पहले पिछला वाला वापस कर। गुड बात, गुड बात, वेरी गुड। I am loving this conversation, but I have to take a break. So please, आप लोग कहीं मत जाना। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। Keep watching हद कर दी with Mom and Saqib. Thank you. सिर्फ एक सेकंड। मैं इनको बुला लूँ वापस। आ गए हैं, वेट करें। आ जाएं आप लोग, आ जाएं। शो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। बड़ा मजेदार हमारा सेगमेंट है जिसको कहते हैं मूड स्विंग्स। ठीक है, इसमें मैं एक डायलॉग बोलूंगा और फिर नवाल एक सर्टन इमोशन में वो डायलॉग हमें बोल के दिखाएंगे। ठीक है, पहला डायलॉग है, एक बात समझ लो, मेरी शादी ग्रैंड होगी, मेहंदी टर्की, बारात दुबई और वलीमा इटली, और हनीमून के लिए न्यूजीलैंड। ये बहुत ओवर एक्टिंग में, आप ओवर एक्टिंग के अंदर, टू मच ओवर एक्टिंग में आपने ये बोल के दिखाना। एक बात समझ लो, मेरी शादी ग्रैंड होगी, मेहंदी टर्की, बारात दुबई और वलीमा इटली, हनीमून के लिए न्यूजीलैंड। पैसे पत्तों की जान दे रही है, इतनी बढ़िया गल्ला, तालियां। क्या बात है, वेरी गुड। द एनर्जी कितनी स्पॉन्टेनियस थी, एकदम किस तरह इमोशन में गई, टैलेंट। अच्छा, अब ना हंसते हुए फुल, मेरी जिंदगी में मसले ही मसले, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पूरी रात मैं रोती रही, लगता है अब तो मैं बिल्कुल होपलेस केस हूँ, फुल हंसते हुए। मेरी जिंदगी में मसले ही मसले, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पूरी रात मैं रोती रही, लगता है अब तो मैं बिल्कुल होपलेस केस हूँ। क्यूट बोल रही हो, तालियां हैं। क्या बात है। लास्ट उदास का डायलॉग है, आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक जिंदगी और जी लो, क्या पता कल हो ना हो। मैं ना फिल्म इमोशनल हो जाता हूँ ये उदास टाइप डायलॉग्स पे। आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक जिंदगी और जी लो, क्या पता कल हो ना हो। क्या बात है, क्या पता कल होना हो।